हाय फ्रेंड, तो ये देखिए, ये HP कॉम्पैक्ट का लैपटॉप है और इसका जो एक्चुअली मॉडल है, यहाँ पे देख सकते हो, ये Presio CQ47 है और ये जो मदरबोर्ड है ये बंदूक टाइप का होता है। देखिए गौर से देखिएगा, ठीक है, ऐसे टाइप का मदरबोर्ड होता है ये लैपटॉप का मदरबोर्ड है, देख ही पड़ रहे हैं, और ये बंदूक शेप में आता है और इसको इसका मदरबोर्ड का बहुत सारे नाम होता है, ठीक है। तो इसका जो प्रॉब्लम था, नो डिस्प्ले का दिक्कत था, क्योंकि मैं जब भी ऑन कर रहा था इसमें पिक्चर नहीं आ रहा था, क्योंकि डिस्प्ले भी नहीं आ रहा था। तो पार्टी जिसका ये मदरबोर्ड है वो थोड़ा रिपेयर करने जानता है, लेकिन सही प्रॉपर तरीके से इसका रिपेयर नहीं कर पाया था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे काम किया हुआ था पहले, ठीक है, ये वाला, ये भी, ठीक है। तो इसमें जो दिक्कत था, देखिए तो यहाँ पे हीटिंग वगैरह कुछ दिया है, तो टोटली सब कुछ चेक कर लिया था पार्टी ने, फिर भी नहीं आया। फिर बाद में मुझको देखे गया है, कल देखे गया और इसको मैं आज रिपेयर कर दिया हूँ, क्योंकि कल टाइम नहीं मिला था थोड़ा सा, तो अभी टाइम मिला और बोर्ड जो है 100% रिपेयर कर दिया हूँ, ठीक है। और अभी आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगा कि बोर्ड का क्या क्या किया और किस तरीके से इस बोर्ड को रिपेयर मैंने किया है, ठीक है। तो चलो देखते हैं कैसे इसको रिपेयर करते हैं, और पहले आप लोगों के साथ मैं दिखाता हूँ कि इस मदरबोर्ड में जान आ गया है, ये ऑन हो गया, ट्रिगर हो गया है। चलो इसको मैं पहले इसको फिट कर देता हूँ, फिट करके आप लोगों के साथ दिखाता हूँ। तो इसके लिए मुझको जो करना चाहिए कि इसका जो डिस्प्ले केबिल है इसको हम लगा देंगे, तो यहाँ पे देख सकते हो डिस्प्ले केबिल को मैंने लगा दिया हूँ और DC पे अभी लगा है, और अभी करूँगा मैं इसको ट्रिगर करूँगा। तो ट्रिगर करने के लिए इसको पहले आपको पावर देना चाहिए, ठीक है, पावर दिया और देखिए एम्पियर कितना ले रहा है, पहले भी इतना ही कम एम्पियर कंज्यूम कर रहा था लेकिन डिस्प्ले नहीं आ रहा था, ठीक है। तो अभी इसको मैं ट्रिगर करूँगा बोर्ड में, देखिए, और देखिएगा डिस्प्ले का क्या कंडीशन है, देखिए ऑन हो गया है और फैन भी घूम रहा है, देखिए डिस्प्ले भी आ गया फटक से, ठीक है, फटक से डिस्प्ले भी आ गया है, प्रॉपर देख लीजिए, ओके। तो काम जो है बढ़िया काम कर रहा है ये, और क्या बोलूँ इसको, इसका बेहतरीन क्वालिटी है अभी तक। और इसका जो मैं अभी इसको बंद कर दे रहा हूँ, ठीक है, और इसका मैं थोड़ा सा दिक्कत क्या था ये भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। यहाँ पे स्टेप डाउन IC, यहाँ पे गौर से देखिएगा, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए, ओके, ये रहा इसका स्टेप डाउन ऐसा शेयर करता हूँ, ये रहा ये इसका स्टेप डाउन IC। इसका में दिक्कत है, लेकिन इसका जो प्रॉब्लम था 3-5 जो वोल्ट बनता है इस कॉइल की, इस कॉइल पर ये तो बन रहा था, लेकिन IC का जो पिन में जितना वोल्ट होना चाहिए वो सही से प्रॉपर नहीं बन रहा था, IC सही से काम नहीं कर रहा था, ठीक है। तो इस IC को मैंने चेंज किया और चेंज करके ये जो देख रहे हैं कि बोर्ड का रिपेयर 100% हो गया है, क्योंकि वॉश क्लीन कर दिया हूँ, और यहाँ पे भी मैंने अभी तक पार्टी जो काम किया है वो उसको मैं रिपेयर मतलब क्लीन नहीं किया हूँ, वो भी क्लीन कर दूँगा और चकाचक बना के इसको मैं कस्टमर को डिलीवरी कर दूँगा। तो अगर आपके पास ऐसा कुछ मदरबोर्ड आता है लैपटॉप का कि प्रॉपर तरीके से ऑन नहीं हो रहा है, तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा जो नंबर है 9475203044, ठीक है, आप कुरियर करके भी भेज सकते हो, कोई भी लैपटॉप का मदरबोर्ड हो आपके पास, इंस्टेंट सर्विस अगर आप मेरी शहर से होगा तो आप खुद भी लैपटॉप लेके आ सकते हो, इंस्टेंट में सर्विस इसको कर दूँगा, ठीक है। तो वॉचिंग करने का धन्यवाद, आपका दिन शुभ, टेक केयर, गुड बाय।